मगर मुझे विश्वास है कि चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत से और जुमले आएंगे, बहुत से और जुमलों की बरसात देश और प्रदेश के अंदर होगी और नई नई घोषणाएं जो वह वो होगी। मगर मैं आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान हिमाचल में जो परिस्थिति आज बनी हुई है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और आज तक हिमाचल में करीबन 350 जाने जाने के बावजूद करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हमारी जो जीडीपी का नुकसान हिमाचल में हुआ है। आपकी एसजीएसटी का पैसा प्रदेश में टूरिज्म का जो है वो ख़त्म हुआ है, आपका लिकर का जो इनकम प्रदेश को होनी थी एक्साइज की वो ख़त्म हुई है, उसकी वजह से अनुमानित 10,000 करोड़ का नुकसान है। टोटल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखें तो 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है, 300 जाने चली गई है, करीबन जो है 4,000 से 5,000 घर जो है प्रदेश के अंदर या तो पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये केवल इसीलिए किया जा रहा है कि हिमाचल में जो है वो कांग्रेस शासित राज्य है? ये मापदंड की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए जब वो उत्तराखंड में केदारनाथ में जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं, जब वो गुजरात में, जब हमारी सरकार थी हमने जो है वो आपके भुज में वहाँ पे राष्ट्रीय आपदा घोषित करी, तो यहाँ पे इतनी जानों जाने के बावजूद, इतने घरों का नुकसान होने के बावजूद, इतनी सड़कों का नुकसान होने के बावजूद हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हिमाचल में जो विपक्ष में भाजपा के नेता हैं और उनके सभी साथी हैं उनको ये जवाबदेही हिमाचल के लोगों के प्रति जो है वो बनती है। इंडिया जो इंडिया कोएलिजन है, एक ऑल इंक्लूसिव जो है वो है गठबंधन है, जो एक पार्टी का, सभी पार्टीज का कोएलिजन है, जिसमें कांग्रेस है और टीएमसी है और करीबन ऐसे बहुत सी पार्टीज है, अराउंड 34 जो है पार्टीज है, नेशनल पार्टीज इसमें इसका इसका पार्ट है। और मुझे विश्वास है कि सभी एक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है विच इज़ रिप्रेजेंटेड वेरी मच इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, आज जिस तरीके से उसकी अवहेलना करी जा रही है, आज सभी संवैधानिक संस्थाओं को जो है दबाने की, उनको कुचलने का जो एक प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उस सोच के साथ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सभी दल इकट्ठे होकर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे विश्वास है कि इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें इस अलायंस को जो है वो बहुमत प्राप्त होगा और आने वाले समय में ये केंद्र में जो है वो शासित सरकार होगी और देश को एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। नेक्रोटिक ब्लोच और पतझड़ की समस्या में ब्यूनोस और एंट्राकोल की जोड़ी बनी बागवानों की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7018263310।